लगा दिया। 6 महीने से ही आंदोलन चल रहा है, साल 26 मई को पूरे होने जा रहे हैं और इसलिए आज का ये जबरदस्त जो आपने आंदोलन किया अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से। साथ ही साथ 2 दिन के अंदर 26 मई को ये जो बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन काला दिन काले झंडे करोड़ों की तादाद में हमारे घरों के ऊपर रहेंगे, हमारे दुकानों के ऊपर रहेंगे, हमारे ट्रैक्टर के ऊपर रहेंगे और इससे ये मोदी सरकार चले जाओ खट्टर सरकार चले जाओ ये नारा पूरे देश में गूंजेगा साथियों, ये हमको करना है। उसके साथ ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार के पुतले पूरे देश में हरियाणा में हमको फूंक डालने हैं 26 मई के सुबह में। करोगे या नहीं, करोगे या नहीं, हर गांव के अंदर ये मोदी और खट्टर सरकार के पुतले हमको फूंक डालने हैं। आखिरी का मुद्दा कहता हूं 1 मिनट में, और ये जो आंदोलन बढ़ रहा है इस आंदोलन के चलते क्या हुआ दोस्तों, जो दो बात हुई यह हमारे राकेश टिकैत जी है, हमारे युद्धवीर सिंह जी है, आज उत्तर प्रदेश में जो जिला परिषद के चुनाव हुए, जो पंचायत समिति के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को आज उत्तर प्रदेश की जनता ने भी उसको खत्म कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात अभी पिछले महीने हुई। हम यही कहते हैं आने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव, इसके अंदर भी भाजपा की खटिया खड़ी कर देंगे। इतना ही बोलते हुए आपसे रजामन लेता हूँ, धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं अब निवेदन करूंगा पंजाब के बहुत बड़े नेता, संयुक्त मोर्चे के बहुत बड़े नेता बलबीर जी राजेवाल जी हमारे बीच में ताली बजा के स्वागत करते हैं। वो आए और अपनी बात रखे, किसान नेता आज के इस समागम में पहुंचे किसान भाइयों बहनों नौजवानों और बच्चियों, भारत का किसान वर्ग एक बड़े आंदोलन में है। आपका ये आंदोलन 26 तारीख को 6 महीने तक चल जाएगा और ये आंदोलन है जिसको सारी दुनिया देख रही है। अब ये आंदोलन सिर्फ भारत के किसानों का नहीं रहा, सारी दुनिया के लोग इस आंदोलन पे नजर रखे हुए हैं। ये आंदोलन है जो 6 महीने तक चला, इतना लंबा आंदोलन दुनिया में कभी नहीं चला, इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी भी किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा समय, इतना शांतमय कभी भी नहीं हुआ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, वहां भी मैं दिल्ली के बॉर्डर्स पे भी एक ही निवेदन शुरू से करता आया हूं। आज के जमाने में आंदोलन करना है जो अगर जीतना है तो सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आप शांतमयी रहो। जब जब शांतमयी रहोगे आप जीतोगे। जब हिंसा आई तो सरकार जीत जाएगी, ये मंत्र अपने अंदर रखो। जोश और होश
दोनों का सुमेल होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं ये जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ किसानों का नहीं है, हर भारतवर्ष के निवासी का आंदोलन है। ये ऐसा आंदोलन है जो कभी भी दुनिया में कॉरपोरेट वर्सेस आम शहरी नमी नहीं हुआ। आपका ये आंदोलन कॉरपोरेट से सारी दुनिया में पहली लड़ाई बन गया है। सारी दुनिया इसको देख रही है, क्या निकलेगा इससे। तीन कानूनों की बात नहीं है सिर्फ, एमएसपी की बात नहीं है सिर्फ, जो अमीर की तिजोरी में गरीब की रोटी कैद करने का मंसूबा है सरकार का, उसके खिलाफ भी ये आंदोलन है। ये आंदोलन है एक तरह से हर शहरी के लिए इंसाफ लेने का आंदोलन है। तो आप 16 तारीख को यहां आए, मैं समझता हूं कि आज के हुक्मरान ये भूल गए कि वो लोगों के नुमाइंदे हैं। ताकत के नशे में अंधे होकर जो बर्बरता उन्होंने आपके साथ की, समझ ले ये सरकार सिर्फ निसार के किसानों पे नहीं, सारे देश के किसान के पीठ पे डंडे मारे हैं सरकार ने। वो लाशें हमारे सबके पीठ पर हैं। और आपको ऐसे ही मोदी को, दोनों सरकारों को जिसे गुरूर है, देखिए हम संविधान की रक्षा के लिए भी लड़ रहे हैं। संविधान के प्रीएम्बल में है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों की सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों की भलाई के लिए। ये सरकार लोगों ने चुनी जरूर, गलती हो गई हमसे, हमें आपकी नीयत समझ नहीं आई, लेकिन इन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ कुछ कॉरपोरेट्स की लूट करवाने में भागीदार रहे। अभी कल परसों की बात है, प्रेस में था कि पिछले 7 साल में जितने कॉरपोरेट्स के कर्ज माफ हुए हैं, आज तक वो 80% टोटल आज तक जितने भी कर्ज माफ हुए उसका। तो हर चीज कॉरपोरेट्स के लिए, और खासतौर पे गुजराती कॉरपोरेट्स के लिए, वो पैसा लेके लोन लेके हजारों करोड़ भाग जाए तो कोई बात नहीं, वो लोगों का खून चूसे कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसी मानसिकता इस सरकार की हो गई। उसे बीमार मानसिकता के लोगों को, उनकी मानसिकता का इलाज करने के लिए आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आप तो ऐसे सत्याग्रही हैं जो इस सरकार की जमीन जगाने के लिए लगे हुए हैं और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है, जो मैंने शुरू में कहा, ये आंदोलन जीतना है, इसके लिए जीत का मंत्र जो है पीसफुल रहना, वो याद रखना है। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे गर्व है आप लोगों पे, हरियाणा पंजाब दोनों किसी वक्त इकट्ठे थे, आप हमारे भाई हैं, अब दोनों भाई इकट्ठे होके सबसे आगे हैं, और उनके साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जगह जगह के लोग इस आंदोलन में आए हैं। लेकिन इसका आधार, आंदोलन का आधार आप लोग हो, पंजाब और हरियाणा हो। आपकी सारी इज्जत इस आंदोलन पे दौड़ पे लगी हुई है। इसलिए मैं समझता हूं जो 26 का प्रोग्राम है, कोई घर नहीं बचना चाहिए, कोई दुकान नहीं बचनी चाहिए, कोई ट्रैक्टर, कोई कार, कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल 26 तारीख को हर के ऊपर काला झंडा लगा हो, और हर मोहल्ले में, हर गांव में इकट्ठे होके मोदी के पुतले जलाओ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है
इस सरकार को इसकी जमीर जगाने के लिए। मैं समझता हूं जैसे आप इस आंदोलन में सबसे आगे होके अपना रोल निभा रहे हो तो मुझे तो रत्ती भर शक नहीं, हम जीतेंगे और आपके ही बल बूते जीतेंगे। धन्यवाद।